हाय एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं आई टेक क्लाउड। तो फाइनली शाओमी वालों ने अपनी मी नोट 9 सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में हम जिस फ़ोन के बारे में बात करने वाले हैं वो है शाओमी मी नोट 9 प्रो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो पाकिस्तान की मार्केट में वो 45,000 प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में इसको लॉन्च किया गया है और ये बहुत ही कमाल स्पेसिफिकेशन के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है। और क्या ये इस प्राइस टैग के साथ पाकिस्तान की मार्केट में जस्टिफाई करता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कौन से डिस्प्ले के साथ पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसको हमें कौन सा फीचर्स यहाँ पर हमें मिलने वाले हैं और इसकी जो हमें बैटरी है वो कितने तक की हमें यहाँ पर मिलने वाली है और यहाँ पर आपको कितने वेरियंट मिलने वाले हैं, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक दोनों ही गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलने वाले हैं और जो आपको फ्रेम मिलने वाला है वो प्लास्टिक का फ्रेम मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आपको एल्युमिनियम का फ्रेम मिल जाता तो बहुत ही अच्छा होता। और इसके बाद अगर इसके डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको 6.67 इंच का एक IPS डिस्प्ले मिलने वाला है 84.5 स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ और यहाँ पे आपको 1080p डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी मिल जाता है और यहाँ पे आपको 395 PPI डेंसिटी भी मिल जाती है। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 MIUI 11 के साथ यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। और अगर इसके चिपसेट की बात की जाए तो चिपसेट यहाँ पे आपको कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G, ये एक गेमिंग प्रोसेसर है और इसका जो आर्किटेक्चर बेस होगा वो 8 नैनोमीटर तक आर्किटेक्चर इसका बेस के साथ ये प्रोसेसर आपको दिया गया है। और अगर इसके स्टोरेज की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान की मार्केट में आपको 2 स्टोरेज पाकिस्तान की मार्केट में मिलने वाले हैं। जो इसका पहला स्टोरेज होगा वो आपको 6GB 64GB तक स्टोरेज मिलने वाला है और इसका जो दूसरा स्टोरेज होगा वो आपको 6GB 128GB तक वाला स्टोरेज यहाँ पे आपको मिलने वाला है। और इसके बाद अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो कैमरा इसका यहाँ पे आपको मेन हाईलाइट मिलने वाला है। अगर इसके कैमरा की बात की जाए तो कैमरा इसकी मेन हाईलाइट होने वाला है क्योंकि इसका जो पहला कैमरा होगा वाइड प्राइमरी कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल में मिलने वाला है और इसका जो अल्ट्रा वाइड होगा वो आपको 8 मेगापिक्सल में मिलने वाला है और इसका जो मैक्रो कैमरा होगा वो आपको 5 मेगापिक्सल तक मिल जाएगा और इसका जो डेप्थ सेंसर होगा वो आपको 2 मेगापिक्सल में मिलने वाला है। और एक इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 4K 30 FPS के साथ यहाँ पे आप वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और अगर इसके सेल्फ़ी कैमरा की बात की जाए तो सेल्फ़ी कैमरा आपको 16 मेगापिक्सल में यहाँ पे आपको दिया गया है और यहाँ पे आपको 3.5mm का एक ऑडियो जैक भी मिलने वाला है और यहाँ पे आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी भी मिलने वाली है और यहाँ पर आपको एक बड़ी बैटरी 5020 mAh पावर वाली बैटरी भी देखने को मिलेगी। और अगर इसके चार्जिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 30W फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ये जो और इसके जो कलर पाकिस्तान के मार्केट में लॉन्च किए गए हैं, जो इसका पहला कलर होगा वो ट्रॉपिकल ग्रीन और दूसरा कलर ग्लेशियर वाइट और तीसरा ग्रे। तो ये थे फ़ोन के स्पेसिफिकेशन। अगर आपको इस प्राइस टैग के साथ ये स्पेसिफिकेशन अच्छे लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपके साथ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।